नालंदा यूनिवर्सिटी वो जगह है जो छठी शताब्दी में पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र था। कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, तुर्की और कई देशों से यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स उनमें पढ़ाने आते थे, लेकिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हमले ने इसको तहस नहस कर दिया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी, जिससे उसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक लीडर्स की भी हत्या करवा दी। छठी शताब्दी में हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर का एक मगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेशी थे। उस समय यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 टीचर्स गाइड करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हेमयान बौद्ध धर्म के साथ दूसरे धर्मों की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री वन संग ने भी यहाँ साल भर शिक्षा ली थी। यह दुनिया की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी उपलब्ध है। कहा जाता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ गया था। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी की आयुर्वेदिक शाखा के प्रमुख राहुल श्रीभद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी किसी भारतीय वैद्य से इलाज के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई भारतीय डॉक्टर उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकता है। तरी हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार खिलजी ने इलाज के लिए राहुल श्रीभद्र को बुलाया। खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वह किसी भारतीय दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर वो ठीक नहीं हुए तो वैद्य उन्हें मौत की नींद सुला देगा। ये सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वे खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर इन दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने भारतीय वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए, जबकि एक भारतीय वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों ना ज्ञान की इस पूरी जड़ यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास में उसे कभी माफ नहीं किया। जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक चलती रही। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडरों की भी हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दे दिया।